हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी री एग्जाम की फाइनल आंसर की के बारे में। तो चलिए बात करते हैं यूपीएससी की फाइनल आंसर की के बारे में। देखो इसमें क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो है कैंसिल हुए हैं और कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है वे एक से अधिक है, और कुछ क्वेश्चन को इन्होंने चेंज किया है। यानी 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर इन्होंने चेंज किए हैं। पहले कुछ आंसर दिए थे जब आंसर की आई थी पहली, और जो फाइनल आंसर की आई है उसके आधार पर उन्होंने क्वेश्चनों के आंसर चेंज किया है 16 क्वेश्चनों के। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो है एक नोटिस जारी किया था जब ये आंसर की आई थी फाइनल आंसर की, उसमें देखो क्या क्या कहा था इन्होंने, ये देखते हैं। इन्होंने कहा है भाई, अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई है। मतलब जो बच्चों ने रिट डाली थी क्वेश्चनों पे, उनमें से 70 क्वेश्चनों पे जो है ना आपत्ति दर्ज की गई है भाई। उसके बाद जिसके जिसको सक्षम स्तर पर विचार करते हुए नियम अनुसार निर्णय लिया गया, मतलब कुछ निर्णय लिया है इन्होंने। पहला निर्णय लिया गया है 25 प्रश्नों के उत्तर विकल्प के त्रुटि पूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। मतलब 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैंसिल हुए हैं, यानी गलत थे, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669 MB 2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। दूसरा नियम है भाई 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही है, 29 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक से अधिक विकल्प सही है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी अगर कोई विद्यार्थी, देखो दो ऑप्शन थे, अगर एक ऑप्शन भी टिक कर आया उन दो में से तो उसे देखो अंक दिए जाएंगे, अगर कोई भी ऑप्शन नहीं लगा गया तो उसे देखो कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ये इन्होंने कह दिया साफ साफ। उसके बाद तीसरा कहा इन्होंने 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किए गए हैं, यानी 16 जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर है उन्होंने परिवर्तन किए हैं। उसके बाद चौथी शर्त है इनकी, उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही है उत्तर कुंजी अंतिम है, मतलब जो उत्तर कुंजी दिया है वो अंतिम है, अब कोई आंसर की नहीं आएगी, फाइनल आंसर की आपकी। इसके पश्चात प्रश्न उनके उत्तर विकल्प तथा उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अब जब कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, नहीं उस पर कोई विचार किया जाएगा। पांचवा है चयन के अगले प्रक्रम DVPST हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तथा तिथि शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट httpuppbigo.government.in पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है भाई, तो देखो 20 नवंबर के समथिंग आपका जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो आंसर की आई है उनकी, कौन कौन से शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और कितने क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन राइट है। तो अब देखो बात करते हैं 23 तारीख की, 23 अगस्त 2024 की जो पहली शिफ्ट थी उसमें जो क्वेश्चन कैंसिल हुए आपके, वो हुआ है एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है बस। उसके बाद जो मल्टीपल ऑप्शन राइट थे वे दो है, यानी दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक से अधिक ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट की, 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन सही थे, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके एक से अधिक ऑप्शन थे। अब बात करते हैं 24 तारीख की, 24 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। अब आगे बात करते हैं 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की, उसमें कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है, बस 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके एक से अधिक ऑप्शन थे। अब आगे बात करते हैं 25 तारीख की भाई, 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में देखो 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं आपके, 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक से अधिक ऑप्शन सही थे। अब चलिए बात करते हैं 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की, इसमें देखो 4 क्वेश्चन इनके कैंसिल हुए हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके एक से अधिक ऑप्शन है। देखिए अब बात करते हैं 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की, 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में देखो 1 क्वेश्चन कैंसिल हुआ है बस और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके एक से अधिक ऑप्शन है। इसी प्रकार देखिए 30 की सेकंड शिफ्ट, 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए, देखो सबसे ज्यादा जो है एक तो इसमें और तुम्हारा एक इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं।
छह क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में, और इसमें दो क्वेश्चन जो है ऐसे थे जिसके एक से अधिक ऑप्शन थे। इसी प्रकार देखिए 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, इसमें दो क्वेश्चन कैंसिल हुए आपके और दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसके एक से अधिक ऑप्शन थे। इसी प्रकार 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, इसमें देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैंसिल हुए 7, और इसमें तीन क्वेश्चन कैसे हैं जिसके एक से अधिक ऑप्शन सही है, तीन क्वेश्चन ऐसे हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन कैंसिल हुए अभी हुए 25 क्वेश्चन आपके, और मल्टीपल ऑप्शन राइट जो क्वेश्चन थे वे थे 29, और 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके उन्होंने आंसर चेंज किए हैं। देखिए बहुत बच्चों का डाउट था और वे कमेंट कर रहे थे कि सर जब क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो हमें पता नहीं लग पा रहा कि हमारे कितने नंबर बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो पिछली बार क्या था, जब 2018 में आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की आई थी, और उसमें जो क्वेश्चन गलत थे उस पर FM लिखा हुआ होता था, FM मतलब फुल मार्क्स। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो सभी स्टूडेंट्स को क्या होता था, उस शिफ्ट के दो दो नंबर दे दिए जाते थे एक क्वेश्चन के। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इन्होंने एक फॉर्मूला बताया है कि भाई इस फॉर्मूले के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर दे जाएंगे गलत के। अगर आप देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन इस बार सही करके आएंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अब ये फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, और आपको देखो हर शिफ्ट में मैं बताऊंगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर ये देखो फॉर्मूला ये है एक्स गुना, एक्स का मतलब है आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, और गुना टोटल नंबर। देखो 300 नंबर का आपका एग्जाम होता है तो टोटल नंबर 300, और अपॉन में देखो मान के चलो तुम्हारी 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है, देखो टोटल क्वेश्चन होता है 150, 150 में से एक घटाना है आपको, यानी 149 अपॉन में लिखना है 149। अब चलिए देखो मैं बात करता हूँ, मान के चलो आपने 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बिल्कुल सही मतलब 93 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है काट पीट के, तुम्हें यहाँ लिखना है 93 गुना टोटल नंबर 300 और अपॉन में 149। अब आपको इसमें गुना करके इसकी 149 से डिवाइड कर देना है, तो इसका जो नंबर आएंगे आपके वे आएंगे 187.248, ये आपके नंबर बनेंगे अगर आपके 93 क्वेश्चन सही है बिल्कुल, तो आपके इतने मार्क्स बनेंगे। देखो अगर आपको एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत ना होता तो आपके नंबर बनते 186, 93 दूनी 186, तो आपको देखो कितने नंबर का फायदा हुआ, आपको हुआ 1.248 नंबर का फायदा हुआ आपको। यानी अगर आप 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट यानी 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और आपके जो है 93 क्वेश्चन सही है, तो आपको एक नंबर यानी 1.248 नंबर का फायदा हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार मैं बात करता हूँ, देखो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में कोई फायदा नहीं होने का क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं है। इसी प्रकार 24 की फर्स्ट शिफ्ट में ऐसे ही रूल रहेगा ये वाला। अब बात करता हूँ देखो मैं 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की, अगर आपका एग्जाम 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में था तो आपके कितने नंबर बढ़ेंगे देखो भाई। अब चलिए मैं बात करूँ, अगर देखो आपने 96 क्वेश्चन सही किए हैं 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में, 96 आपके क्वेश्चन सही है बिल्कुल, तो आपको यहाँ 96 लिखना है गुना टोटल नंबर कितने हैं 300, और अब फोन में देखो कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, इसमें 3 क्वेश्चन गलत है 25 की फर्स्ट शिफ्ट में भाई, 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, तो आपको क्या करना है टोटल क्वेश्चन 150, 150 में 3 घटा के लिख देना है 147। अब जब तुम इसे डिवाइड करोगे गुना करके 96 की 300 गुना करके 147 डिवाइड करोगे तो जो आपके नंबर है ये आपके नंबर बैठेंगे 195.91। ठीक है भाई 195.91, तो ये नंबर आपके बैठेंगे। अगर आप वैसे देखो काउंट करोगे 96 में 192, वैसे आपके नंबर बैठते 192 नंबर, अगर आपके क्वेश्चन गलत ना होते तो आपके नंबर बैठते 192, तो आपको देखो कितने नंबर का बेनिफिट मिला, 5 में 2 3.91 का, 3.91 का आपको बेनिफिट मिला आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पे। अब आगे देखते हैं, देखो अगर मैं बात करूँ 25 की देखो सेकंड शिफ्ट की, इसमें देखो 4 क्वेश्चन क्या है आपके रॉन्ग है, देखो अगर आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग है मान के चलो आपके 95 नंबर आए, आपके 95 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मान लो आप 95 क्वेश्चन सही कर गए बिल्कुल, और 95 क्वेश्चन सही कर गए टोटल नंबर आपके 300 है, टोटल नंबर कितने आपके 300, और 4 क्वेश्चन आपके गलत है तो 150 में 4 घटा दो 146। अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे और इसे डिवाइड करोगे तो आपके जो नंबर बैठेंगे ये आपके नंबर बैठेंगे भाई
195.20, 195.20। अगर आप देखो वैसो नंबर काउंट करोगे 95 कितने होते हैं, 190 होते हैं, आपके वैसा नंबर बैठते 190 है, तो जब तुम उसमें घटाओगे तो ये आपको 5.20, यानी आपको जो फायदा हुआ वो हुआ 5.20 नंबर का, जो कितना नंबर का फायदा हुआ आपको। अब देखिए मैं सबसे लास्ट की देखता हूँ 31 की सेकंड शिफ्ट में, 31 की सेकंड शिफ्ट में देखते हैं भाई, 7 क्वेश्चन गलत गए हैं। मान के चलो आप 31 की सेकंड शिफ्ट में 100 क्वेश्चन सही कर रहे, आपके 100 क्वेश्चन सही हुए, तो 100 गुना टोटल कितना है भाई 300, अपॉन में देखो 7 क्वेश्चन गलत है, 150 में 7 घटा दो 143, जब तुम डिवाइड करोगे तो ये आपके नंबर बैठेंगे 209.79 शायद, हाँ ये आपके नंबर बैठे, तो आपके नंबर बैठे देखो वैसे आपके बैठे 200 नंबर, सोचना तो 200 होता है तो बैठ के आपको 9.79, हाँ तो आपको जिस चीज़ को फायदा हुआ वो 9.79 नंबर है। आपको बता दो एक नंबर से हजारों बच्चे के पीछे लगते हैं नंबर से। देखिए आपको मैंने समझा दिया किस प्रकार से आपके नंबर बनेंगे, अगर आपको भी अपने नंबर चेक करने हैं तो देखो यही फॉर्मूला लगाओ भाई, एक्स गुना एक्स का मतलब जितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं वे, और टोटल नंबर 300, और अपॉन में आपकी शिफ्ट में देखो कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, अगर आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो 150 में से टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं उसमें से घटा कर लिख दो, यानी 149। अगर आपकी सिर्फ 23 की फर्स्ट है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर आपकी 23 की सेकंड है तो यहाँ आपको देखो कोई क्वेश्चन कैंसिल नहीं हो तो इसलिए 150 ही नीचे आएगा आपके। तो इस प्रकार आप देखो ये फॉर्मूला लगा के अपने नंबर चेक कर सकते हो कि आपको कितने नंबर का फायदा हुआ। चलिए अब बात करते हैं यू पुलिस की कट ऑफ के बारे में, इस बार की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। अगर आप यू आर कैटेगरी से हो और आपके 92 क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो आप भाई फिजिकल की तैयारी करो, इसी प्रकार अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो और आपके जो है 88 क्वेश्चन बिल्कुल सही है 88 क्वेश्चन, तो आप भी फिजिकल की तैयारी में लग जाओ भाई। ईडब्ल्यूएस वाले भाई वे भी 88 क्वेश्चन, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आप भाई 85 क्वेश्चन, अगर आपके 85 क्वेश्चन बिल्कुल सही है आप भी फिजिकल की तैयारी करो। एसटी कैटेगरी से अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हैं तो आप भी भाई फिजिकल की तैयारी करो। तो ये कट ऑफ है भाई इस बार के डीवी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि देखो पीएचटी बहुत जल्द होगा और उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलने लगा आपको फिजिकल का, इसलिए आप इसे आप तैयारी में लग जाओ भाई फिजिकल की। अगर आपको वह वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद जय भारत।